हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जिसमें आप लोग बताऊंगा 5 चैप्टर ड्रग एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आज के उसके क्लासेस में एंटी साइकोटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे हेलोपेरिडोल का नाम से मेडिसिन होता है, जिसे हम लोग इसको कंपोजिशन नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसका कंपोजिशन मतलब, इससे मान लीजिए कोई ड्रग ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका वर्क क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसका मतलब क्या फायदा होता है, क्या इफेक्ट होता है, क्या यूज होता है, इसके बारे में तो जानना जरूरी होता है ना। एक चीज और, डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से समझेंगे कि डिप्लोमा जो हम लोग करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को पीरियड मतलब सिलेबस अकॉर्डिंग आता है हेलोपेरिडोल जो होता है। हेलोपेरिडोल उसका मतलब क्या काम, मतलब क्या काम करता है, व्हाट इज ए हेलोपेरिडोल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, यूज जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर और आईपीसी नेम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसका ब्रांड नेम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, कि आप लोगों को जो हम लोग दे रहे हैं ना, जैसे हेलोपेरिड एंटीसाइकोटिक्स ड्रग जो होता है, मानो रोग प्रतिरोधी कहते हैं इसको, मानो रोग एंटीसाइकोटिक्स में होता है, मानो रोग प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक है, हेलोपेरिडोल को जो हम लोग आज क्लासेस ले रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे, इसका यूज क्या होता है। जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो उसमें कंपोजिशन लिखता है हेलोपेरिडोल का यूज क्या होता है, इसका मतलब कहाँ से आता है, कैसे बनता है, इसके बारे में तो जानना जरूरी होता है ना। आज खुशी होगी कि एक मेडिसिन के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कोई भी है, मतलब आप लोग डिप्लोमा हो चाहे बी फॉर्म हो, जानना चाहते हैं तो अच्छे से जान लीजिएगा कि क्या काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, पेपर में लिखना होता है तो हेलोपेरिडोल लिखिए, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर लिखना है, यूज लिखना है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज लिखना है, फॉर्मुलेशन लिखना है, ब्रांड नेम लिखना है, ये पूरा लिख के आना है दोस्तों। इसमें से एक भी कोई चीजें चीटिंग मत कीजिएगा, हम मत छोड़ के आइएगा कि से नंबर कट जाए। ठीक है, तो आप लोग नंबर उठाना है, आप अच्छा से अच्छा नंबर उठाना है, तो पढ़ना चालू कीजिए, आज से पढ़िए और स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसे हम आप लोग बता रहा हूँ, 2 मिनट में आप लोगों को तैयारी हो जाएगी। ठीक है, हेलोपेरिडोल जो होता है इज इन द एंटी साइकोटिक्स होता है। एंटी साइकोटिक्स मतलब होता है मनोरोगी प्रतिरोधी, मतलब मनोविज्ञान, मतलब मनोरोगी वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई पागल हो गया, मेंटल हो गया, चाहे मेंटल डिसऑर्डर हो गया, इस तरह जो होते हैं पेशेंट, उस तरह एंटी साइकोटिक्स में आते हैं। ठीक है, तो एजेंट यूज टू ट्रीट, देखिए सचियोपेरियन को कहते हैं, एक प्रकार का मानसिक विकार, मतलब एक प्रकार का मानसिक विकार, एंड अदर साइकोसिस मतलब होता है मानो विकार। ठीक है, एज द सिम्पटम ऑफ एजिटेशन मतलब होता है घबराहट। ठीक है, इरिटेबिलिटी होता है, चिड़ापन होता है, एंड डेलिरियम। तो आप लोग सुने होंगे कि मान लीजिए जो आप लोग हिंदी नहीं आता है, समझ नहीं आता, इसलिए लिख देता हूँ, इससे आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा स्पेलिंग जो होता है, जो मीनिंग होता है, उसका अर्थ क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं तो आप लोग समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, जिसे आप लोगों को अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या मतलब जो होता है, एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, जिसे हम लोग मनोविकार कहते हैं, घबराहट होता है, चिड़ापन होता है, इसके लिए दवा दिया जाता है। याद रखिए, जो चीजें काम नहीं, मतलब ये मतलब होने लगेगा, जब मनोविकार हो गया, घबराहट हो गया, चिड़ापन हो गया, मतलब ऐसा होता है इंसान में, जो बॉडी में हलचल मचाती है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर, जैसे हर चीजें बीमारी जो होती है। तो देखिए, आप लोग मनोविज्ञान विकार हो गया, आप घबराहट हो गया, चिड़ापन हो गया, इसमें आप लोग अर्थ निकाल लीजिए कि इसी की वजह से हम लोग ये दवा यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप लोग देख रहे होंगे बेंजीन से मिलकर बना है, तो बेंजीन ये तो स्वरूप है, तो आप लोग देखिए 4-4-4 क्लोरोफिनाइल, 4-hydroxypiperidine होता है, पिपरीडीन, 1-1-ईल होता है, वैसे देखा जाए तो 4-फ्लोरो
फिनाइल ब्यूटेन वन वन मतलब वन होता है वन वन भी कहते हैं ठीक है तो वन वन ठीक है। तो आप लोग ऐसे देख लिए तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, याद कर लीजिएगा कैसे हम लोग नाम लिखेंगे आईपीसी ने ठीक है। यूज इट इज द यूज ट्रीटमेंट मतलब इसका मतलब ट्रीटमेंट होता है तो कौन से बीमारी का यूज करके हम लोग एक्यूट द साइकोसिस हम लिखा हूँ। साइकोसिस मतलब होता है मनोविकार मतलब मनोविकार मनोविकार का हो जाता है। एग्रेसियन का होता है क्यों डिलिरेशियम का होता है अनकंट्रोल अनकंट्रोल बिहेवियर एल डिसऑर्डर इन द चिल्ड्रेन एंड द अडल्ट अल्कोहल एंड द पीरियड विथड्रॉ सिम्पटम। जैसे आप लोग मतलब कई लोग क्या होता है दारू पी लेते हैं तो अपने को क्या बोलते हैं शेर बोलने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारा घर खरीद लेंगे तुम्हारा जमीन खरीद लेंगे। अब बाद में उतर जाता है तो क्या कहते हैं अरे यार सॉरी चाहे जो भी बोल के चले जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे देहात गांव में जब वो दारू पी लेते हैं तो ऐसा होने लगता है। इसीलिए ये मेडिसिन दिया जाता है जो जो अल्कोहल होता है उसको छुड़ाने के लिए होता है विड्रो करने के लिए होता है। ऐसे मतलब जो बॉडी में है जैसे आप लोग अल्कोहल ले लेते हैं तो अपना मानसिक जो होता है स्थिति खो चुके होते हैं। जैसे आपको क्या बोलना है वो नहीं बोल पाते हैं कुछ और अलग अलग से बोलने लगते हैं शब्द जो वर्ड नहीं बोलना चाहिए वो बोलने लगते हैं। इसीलिए ये दवा दिया जाता है इससे कंट्रोल होता है ठीक है। स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज इसका मतलब कौन सा जगह पर रखा जाता है इट शुड बी द स्टोरेज एट टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। या मान लीजिए जो जहां पर ये दवा रख रहे हैं तो 20-25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मतलब 20-25 होना चाहिए ठीक है। इट शुड नॉट बी रिफ्रिजरेटेड कहते हैं ठीक है। फॉर्मुलेशन में देखा जाए तो टेबलेट में आता है इंजेक्ट में आता है। ब्रांड नेम देखा जाए तो हेलोडोल आता है पेरीडोल आता है और भी मेडिसिन नाम से आता है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी मिसिंग हो तो कमेंट कीजिए जो समझ नहीं आ रहा है आप लोग अच्छे से समझा दूंगा। ऐसे कमेंट आया था सर हमको लिख के हिंदी में बता दीजिए मेरे को समझ नहीं आता तो इसलिए आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ जिससे आप लोग समझ आएंगे ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलेंगे और अच्छे से इसे भी अच्छे समझाऊंगा जिससे आप लोग अच्छे समझ याद रखिए नोट पर मतलब नोटबुक लेके लिख लीजिए जिससे आप लोग अच्छा समझ आ जाएगा ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।